कहना है हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए कुश्ती में हो, स्पोर्ट्स में हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर हमारे युवाओं को जो आगे बढ़ाने के लिए करा जाएगा वो हमारे लिए ही बेहतर है, क्योंकि हमारे देश हित में, हमारे ही देश का भविष्य है। तो मेरी शुभकामनाएं। दोस्तों मैं इस वक्त दादरी के गांव सैदल्लापुर में हूं। यहां पर दंगल चल रहा है, विशाल दंगल है, और सबसे पहले मैं भीड़ दिखाऊंगा कितनी सारी भीड़ यहां पर पहुंची हुई है। उसी के साथ साथ पूनम पंडित भी कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। पूनम पंडित भी यहां पहुंची हैं और कोई मौका नहीं छोड़ती। पहलवान जो है उनका हाथ पूनम पंडित मिलवाते हुए, ये देखिए पूनम पंडित कहीं मौका नहीं छोड़ती हैं, जहां खेल कूद होता है वहां जरूर पहुंच जाती हैं, क्योंकि वो खुद एक खिलाड़ी हैं। हाँ, बड़ा दंगल है और बड़े दंगल के बच्चे हैं, नोएडा के बच्चे हैं दोनों। हाँ, नोएडा से हैं। हाँ, दोनों नोएडा के लड़के हैं। आप कहाँ से हैं? मैं गुरु जसराम खाड़ा दिल्ली। अच्छा, आप कहाँ से हैं? ये नलगढ़ा से, नोएडा से। कितने रुपए की प्रकाश प्रधान? उससे कितने रुपए की? ये 5100 रुपए कुछ। चलिए चलाइए, चालू करवाइए। आज वो पूनम मंडी से बात कर लेते हैं एक बार। पूनम जी, पूनम जी, आज यहाँ पहुंची हैं आप, बताइए थोड़ा सा इसके बारे में। चलते चल लेते हैं। हाँ, चलते चलते आगे आगे जी। आज यहाँ दंगल में धन्यवाद करती हूँ दीपक नागर का, समस्त टीम का, और तमाम सदल्लापुर और नोएडा क्षेत्र के जितने भी मेरे भाई हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित किया, क्योंकि ये है ना एक हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए, कुश्ती में हो, स्पोर्ट्स में हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर हमारे युवाओं को जो आगे बढ़ाने के लिए करा जाएगा वो हमारे लिए ही बेहतर है, क्योंकि हमारे देश हित में, हमारे ये देश का भविष्य है। तो मेरी शुभकामनाएं। दूसरी बात, आपने जैसे बताया कि स्पोर्ट्स से तो इसीलिए थोड़ा परिवार है, तो आप जो है उत्साह बढ़ा रहे हैं। लड़कियां भी यहाँ पर कुश्ती लड़ने के लिए आई हैं। मुझे बढ़िया लगा लड़कियां जब हर मंच पे हो, हर प्लेटफॉर्म पे हो, क्योंकि कहीं कहीं ऐसे मंच हो जाते हैं मुझे अकेलापन महसूस करती हूँ, वैसे तो सभी मेरे अपने भाई हैं, बाकी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं मंच पर अकेली लड़की होती हूँ, कहीं किसान पंचायतों में महिलाएं नहीं होती, तो मुझे वो कमी महसूस होती है। तो जल्द ही हम उस कमी को भी भरेंगे, जैसे आज अखाड़े में हमारी बहनें खड़ी हैं, आने वाले समय में हर अखाड़े में जो है हमारी बहनें। पूनम पंडित को नेताओं के साथ ज्यादा देखा होगा, मगर यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो जहाँ जहाँ खेल होते हैं पूनम पंडित वहाँ पहुँच कर जो महिला पहलवान है, पुरुष पहलवान, उनका भी उत्साह बढ़ाता है। और मुझे लग रहा है भाइयों, और अगर कोई गुरु खलीफा रह गया है तो एक बार अखाड़े में आ जाए। और हमारे मुस्तकिम भाई और यही भाई खड़े हुए हैं दंगल में, जो खबर को भी कवरेज कर रहे हैं, उनका बारम्बार धन्यवाद करना चाहूंगा, जो इस जंगल को अपने चैनल के माध्यम से जगह जगह दिखा रहे हैं। खलीफा जी, किदारा जी, भैया बादल बम्बैटा शिवम रेलवे भाई, अब एक एक बार सब एक तरफ हो जाओ। व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, मैं एक बार अनुरोध करूंगा प्रमुख साहब, एक बार दर्शकों से फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर नहीं हो जो दंगल कमेटी है ये सब मुझे अनुरोध करना चाहूंगा, पहले हमारे बीच में 10 से 12 मिनट में पहुंचने वाले हैं। बढ़िया बुद्धि, हमारे बीच में आ रही है भाई, व्यवस्था बनाए। ये जहीर भाई हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर पहुंचे, ग्रेट खली से मिलने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, या फिर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ प्यार करते हैं। कहाँ से सर, क्या नाम है? धूमखेड़ है, यही से दादरी से है। किसी पार्टी से? नहीं, समाज से, गुजर समाज, गुजर समाज से। आप लोगों ने आज यहाँ दंगल कराया है, ग्रेट खली आने वाली थी 2-3 बजे, 6 से ज्यादा समय होने वाला है, वो कुछ उनका टैपिंग वगैरह कहीं सुबह आ रहे हैं 5-10 मिनट, कब दंगल कितने बजे खत्म होगा? ये कोई टाइम कोई मतलब निर्धारित नहीं है, जो कुश्ती के हिसाब से चलता रहेगा। अभी अब कितना टाइम लगे वो क्या पता, दंगल कब तक चलने वाला है? खिलाड़ी बहुत है, उनके हिसाब से होगा। चलिए खैर, हाँ सर, क्या नाम है? जो ग्रेट खली है वो आ रहे हैं पूरी रात, 12 बजे तक का प्रोग्राम है, कोई परेशानी नहीं, वो अभी लेट है, वे जाम में फंस रहे हैं, वे आने वाले हैं, कोई दिक्कत। ग्रेट खली, ग्रेट खली, ग्रेट खली जाम में फंसे हुए हैं, 10-20 मिनट में पहुंच जाएंगे ना, पूरी रात का 12 बजे तक का दंगल है, रात को 12 बजे तक का प्रोग्राम है। भैया मेरे भी पगड़ी बंदी है, इस
दंगल को तो विशाल दंगल को ये सुपर हिट करना पड़ेगा और सुपर हिट तो होकर रहेगा क्योंकि ग्रेट खली यहां पहुंचेंगे जरूर। जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है, हजारों और लाखों की तादाद में जनता यहां पर पहुंची हुई है। बड़े बड़े पहलवान यहां पर पहुंचे हैं कुश्ती मारने के लिए। देखो कुश्ती मार ली इन पहलवान ने, हमारी टीम पूरी वहां गई है तुम्हारे हाथ में। क्या हुआ पहलवान कुश्ती मार ली बराबर रही। देखो पहलवान ये असली शरीर है, ये बहुत मेहनत करने के बाद में शरीर बनाया जाता है। बहुत मेहनत करने के बाद में भी सरकार इन लोगों को किसी तरह कोई सरकार की तरफ से मदद मिलती है, सरकार की तरफ से मदद मिलती है आपको, मदद मिली है क्या? बोलो जोर से, सरकार की तरफ से क्या मदद मिली आपको? क्या मिलती है मैं तो पूछ रहा हूँ भाई, नौकरी मिलती है आपको? क्या मिला ये बताओ, नौकरी मिलेगी, आपका शरीर अच्छा है वो नौकरी मिलेगी क्या? अभी तक क्या मदद मिली आपने, इतना अच्छा शरीर बनाया? अभी तो शुरुआत है, अभी शुरुआत है। सरकार बहुत अच्छी है, अगर एथलीटों को मदद देने लगे सरकार वाकई बहुत अच्छी है। बड़े बड़े दिग्गज पहलवान यहाँ पहुँचते हैं और अपना शरीर बनाने के बाद में यहाँ दमखम दिखाते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि द ग्रेट खली जिसका जिनका इंतजार यहाँ दो बजे से हो रहा है कितनी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। युवा शक्ति कुछ कहना चाहती है और देखो बॉडी, ये बॉडी है देसी बॉडी है। हाँ मैं दिखा एक बार और दिखा, दोनों 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 ये देखो भाई। क्या नाम है आपका? अंकित नागर। कहाँ से आए आप? यहीं से। यहीं से कुश्ती लड़ने के लिए आए? हाँ। अभी कुश्ती हुई कि नहीं? 1,00,000 से नीचे ना लड़ दो। 1,00,000 से नीचे लड़ेंगे भाई? पहलवान यहाँ बड़े बड़े बैठे हुए हैं, 1,00,000 से नीचे कुश्ती नहीं लड़ेंगे। शरीर भी बता रहा है कि हाँ भाई 1,00,000 का पहलवान है। अब आपका नाम है? दीपक। आप कुश्ती लड़ना है? आप कुश्ती लड़ना, एक बार शरीर दिखा दो यार। क्या बात है भाई, इनके दोस्त हैं आप भी? तो ये जिम वाली बॉडी तो है नहीं, ये तो देसी है ना? देसी है, सब देसी। देसी करते हैं लोग, बुलेट खाते हैं, बुलेट 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 खा देते हैं। अरे यार क्या बात है भाई, बुलेट मैं कहाँ गया? अरे यहाँ बुलेट उठा देते हैं, ये भी बुलेट उठा देते, दोनों बुलेट उठा देते हैं। बड़े बड़े ताकतवर पहलवान यहाँ बैठे हैं। ये कह रहे हैं आप बुलेट उठा देते हैं, बुलेट बुलेट उठा देते हैं ये। क्या नाम है आपका? संजू पहलवान। हाँ, और बुलेट उठा देते बुलेट? हाँ बुलेट उठवा लो, आदमी उठवा लो, कुछ बुलेट उठवा लो, आदमी उठवा लो। और ये मूछ वाले भाई, क्या नाम भाई आपका? मूछ बड़ी पड़ी मस्त है आठ वाली। गजेंद्र। आप दंगल देखने आए हो या खली पहलवान देखने आए? हम दंगल करा रहे हैं। अगला बना रहे हो यार, ये तो संयोजक निकले यहाँ के, अगला तो यही करा रहे हैं यहाँ पर। चलिए और अरे राठी जी, हाँ जी एक बार पीछे करवा दो बस एक बार। यार डंडी वंडी क्यों ले रखी आप लोगों ने? डंडी व्यवस्था समान ले लो, व्यवस्था किसी को मार तो नहीं रहे डंडी वंडी आप? तुम तो एकदम हीरो लुक लग रहे हो यार, डंडी वंडी तो नहीं मारी भाई? मूछे मूछे आपने बड़ी बढ़िया लगा रखी है। मूछ तो हमारी गुजर की सौ, क्या मूछ की पहचान है गुजर की है। चलिए ठीक है भैया, बहुत बढ़िया रहा। देखो हमारे भाई जी, क्या नाम भाई आपका? श्याम। श्याम जी दंगल में आप पहुंचे हैं, द ग्रेट खली को देखने पहुंचे हैं या दंगल देखने पहुंचे हैं? जी के स्वागत के लिए आया हूं, तमन्ना है एक बार जरूर। हमारे देश की शान भी है, द ग्रेट खली ने पूरी दुनिया में नाम किया है। बिल्कुल बिल्कुल।